इतने छोटे झरोके बनाए गए थे। इस रास्ते को दासियां यूज करती थी, जहाँ पे मल्टी कलर के कांच है, सिर्फ इतनी साइज है इसकी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ जयपुर, और जयपुर में खासकर जब आप यहाँ पे पहुंचते हो, सबसे पहली लोकेशन हमारी होती है हवा महल, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, और हम इसको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आपको। क्योंकि जयपुर का हवा महल का नजारा बाहर से कुछ इस तरीके का होता है, ये सबने देखा होता है, लेकिन अंदर से हवा महल कैसा दिखता है, इस बात की पूरी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। और आप यहाँ पे पहुंचोगे कैसे और क्या क्या यहाँ पे देखने की चीजें, हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। आइए विजिट करते हैं जयपुर का हवा महल। जयपुर के हवा महल में जैसे आप एंट्री लोगे तो पूरा नजारा आपको इस तरीके दिखाई पड़ेगा, जैसे आप देख पा रहे हो। और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको गाइड देखने को मिलेंगे, जो आपसे पूछेंगे कि आपको गाइड करना है कि नहीं, और मैं आपके चार्जेस दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप गाइड करते हो तो वो चार्जेस क्या रहेंगे। यहाँ पर पूरी लिस्ट लगी हुई है, ये लिखा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड। अभी एक गाइड वाले सर से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि यहाँ पे अगर आप गाइड करते हो तो सिर्फ 200 रुपीज़ लगेंगे इंडियंस के लिए, फॉरनर का रेट अलग है। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर करना हो तो आप गाइड कर सकते हो सिर्फ 200 रुपए में। फिलहाल ये है हमारा एंट्री गेट, लेकिन पहले टिकट लेंगे उसके बाद चलेंगे। दोस्तों, अभी मैं गेट से एंट्री लिया हूँ, सामने वो गेट है, और जिस साइड में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे अगर यहाँ पे देखोगे, जस्ट पीछे, तो ये पूरा पार्किंग का एरिया दिया हुआ है कि अगर आप व्हीकल से आते हो तो गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हवा महल की डिटेलिंग करी गई है। आइए सामने टिकट विंडो है, चलते हैं टिकट लेते हैं। यहाँ पे टिकट दो लोग का पड़ा 104 रुपए, यानी 50 रुपए पर पर्सन, और 2 रुपया जो है टैक्स लग रहा है। सिक्योरिटी चेक से होते हुए जैसे ही आप अंदर आओगे, तो जिस दरवाजे से मैं भी अंदर आया हूँ सिक्योरिटी चेक के, इसका नाम है आनंदपोली द्वार। और यहाँ पे ऐसे दो दरवाजे हैं, एक सामने जो आपको एंट्री करनी है उसका नाम है चंद्रपोली द्वार। ये चंद्रपोली द्वार है, इसकी नेम प्लेट यहाँ पे लगी हुई है, जहाँ से हमें मेन एंट्रेंस लेना है इस हवा महल के अंदर में। दोस्तों, इस बिल्डिंग की बहुत ही खास बात है, ये एक इमारत है जो कि बिना नींव के बनी हुई है, और ये दुनिया में सिर्फ एक ही इमारत है। 5 मंजिला इमारत जिसमें 953 छोटी बड़ी खिड़कियां हैं, और जो दुनिया की इकलौती ऐसी इमारत है जिसमें कोई बुनियाद नहीं है, वो जयपुर द पिंक सिटी का हवा महल है, जिसे लाल और बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे 1799 में खास तौर पर रानियों के लिए बनवाया था, ताकि रानियां पूरे जयपुर शहर का आनंद ले सकें। ग्राउंड फ्लोर से जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ आगे बढ़ोगे, तो आप जब अंदर आओगे तो आपको सामने एंट्री लेते ही इस तरीके का नजारा दिखाई पड़ेगा पूरा, जो आपकी 5 मंजिला इमारत हवा महल की एक्सप्लोर हो जाएगी। दोस्तों, मैं भी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और अगर आप कैमरा को थोड़ा सा ऊपर करेगा तो आपको सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, फिर उसके बाद 5वां फ्लोर दिखाई पड़ेगा, जो एक्चुअल में हवा मंदिर यानी हवा महल एक्चुअली वही है। हवा महल जो सामने से दिखता है वो सिर्फ वैसा नहीं, बल्कि पीछे पूरा एक महल जैसा बना हुआ है, जो यहाँ के राजा सवाई सिंह ने बनवाया था अपनी रानियों के लिए, ताकि वो सिटी को पूरा एक्सप्लोर कर सके। अब ये कैसे होता था, मैं आपको इसकी टेक्निकल जानकारी पूरी दूंगा, अभी दिखाऊंगा कि रानियाँ कहाँ से पूरे शहर पर नजर रखती थी, इंजॉय करती थी सड़कों को, बिना बाहर जाए वो किसी को देख पाती थी, लेकिन कोई उनको नहीं देख पाता था। और जैसे ही आप एंट्री लोगे, आइए यहाँ पे दिखाता हूँ कि राजस्थानी संगीत किस तरीके से आपका वेलकम करेंगे, और आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगे, राजा महाराजा वाली। आपको साउंड आना शुरू हो गया होगा, जरा सा ये दोस्तों, ये 5 मंजिला इमारत जो हवा महल के नाम से जानी जाती है, ये एक्चुअली में मंदिर है। यहाँ पे ये 5 सेक्शंस में बटा हुआ है, और 5 टाइप के मंदिर यहाँ पे हैं, जो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लोर करूंगा। सबसे पहले आइए चलते हैं हम देखने के लिए यहाँ का शरद मंदिर, और यहाँ पे सामने एक छोटा सा कैफे भी बनाया गया है कि आपको स्नैक्स या कुछ ऐसा ड्रिंक व्रिंक लेना हो, इंजॉय करना हो, स्नैक्स को कॉफी है, टी है, पिज्जा है, सैंडविच है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो आप यहाँ पे आकर के अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सकते हो। बाकी इस साइड में यहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई है शरद मंदिर की, ये है शरद मंदिर का एरिया, जो कि एकदम हमें ओल्ड वाइब दे रहा है पुराने राजा महाराजा के जमाने की। और यहाँ पे हर तरफ छोटी छोटी खिड़कियां बनी थी, आप देख पाओ तो यहाँ से भी सिटी का नजारा दिख रहा है। मंदिर में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे मूर्ति रखी हो, लेकिन हाँ, नाम दिया गया है अलग अलग खंड का, इस खंड का नाम है शरद मंदिर। और यहाँ पे राजस्थानी फोक डांस चल रहा था, कठपुतलियों को नचाया जाना, जो राजस्थान की परंपरा है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई जा रही है। जस्ट हैव अ क्लोज लुक। शरद मंदिर से हम होके निकले हैं, सामने हमारे प्रताप मंदिर है, जहाँ पे इस हवा महल को बनाने वाले राजा की मूर्ति भी मौजूद है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रताप मंदिर, यहाँ पे हर मंदिर के सामने बोर्ड लगा हुआ है,
जो आप ये देख पा रहे हो दरवाजों को ये पूरा ओल्ड वाइब देने वाला बनाया गया है इस तरीके से, कितना खूबसूरत है। इन दरवाजों को जरा ध्यान से देखिए, ये इतना आलिशान लुक सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस पे कलर के लिए पेंट का यूज नहीं किया गया है बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। आइए अब इधर एंट्री करने से पहले एक चीज आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एकदम पास आइएगा। जब आप इस पत्थर को देखोगे तो आपको शायद फील आ रहा हो कि इसमें पीला, लाल, नीला सब ये कांच मल्टी कलर का लगा हुआ है, जो अंदर से बहुत ही अमेजिंग फील देगा। जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम द इनसाइड। ये हम एंट्री कर चुके हैं प्रताप मंदिर में और यहाँ पे ये मूर्ति बनी हुई है यहाँ के महाराजा की, जिन्होंने हवा महल को बनाया था और इनको बहुत ही वेल ड्रेस करके यहाँ पे इसे लगाया गया। और देखिए, मैं उस चीज की बात कर रहा था कि मल्टी कलर का वहाँ पे शीशा लगा आपको दिख रहा हो तो लाल, पीला, हरा, नीला, जो बाहर के रिफ्लेक्शन से पूरा रोशनी दे रहा है और एकदम अमेजिंग फील दे रहा है। फिलहाल इधर आइए, यहाँ पे हवा महल का मिनिएचर क्रिएट किया गया है, बहुत ही स्मॉल मॉडल इसका, जो आपको देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसा रियल में उसी का मिनी मॉडल क्रिएट किया गया है। दोस्तों अभी हम प्रताप मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ पे राजा की मूर्ति है और ये पूरा मिनी मॉडल यहाँ पे रखा गया है। लेकिन आपको एक डिटेल दिखाता हूँ हिस्ट्री की, आप जरा सा ऊपर देखो तो आपको यहाँ पे ये कड़े दिखाई पड़ेंगे ऊपर की तरफ, ये पूरा तो यहाँ पे जो है बहुत सारे चूल्हे लगे हुए हैं तो जिसमें पर्दे के पंखे लगे रहते थे जो राजा को हवा देने के लिए यहाँ पे लगाया गया था। और आप जो थोड़ा सा यहाँ पे आओगे इस साइड में तो यहाँ देखिए, यहाँ भी इस साइड में कांच को मेंटेन किया गया है कि जहाँ पे मल्टी कलर के कांच है और ये सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से रोशनी अंदर देते हो। अब हम इधर से अंदर जाने वाले हैं, यहाँ पे स्टेयर्स तो नहीं है लेकिन इस तरीके से बनाया गया है। जैसे ही आप यहाँ के सेकंड फ्लोर पहुँचोगे कुछ इस तरीके का नज़र आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे थे, अब हम इसके सेकंड फ्लोर पे हैं और सेकंड फ्लोर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। दोस्तों वीकेंड्स पे थोड़ा भीड़ रहती है तो आपको अगर बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप वीकडेज पे आ सकते हो, लेकिन हाँ हवा महल आप कभी भी आओ तो आपको लुक ऐसा ही मजेस्टिक देखने को मिलेगा। अभी हम हवा महल के तीसरे खंड पे मौजूद हैं और यहाँ पे है रतन मंदिर। आइए आपको दिखाता हूँ इस साइड से, ये है नेम प्लेट लगी है, लिखा है रतन मंदिर। जहां भी आप देखोगे तो मल्टी कलर आपको ग्लासेस दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो एंट्रेंस पे हो या फिर इस तरफ देखिए जो झरोखे छोटे छोटे बने हुए हैं, इसके भी ऊपर जो शीशा लगा हुआ अगर आपको दिख रहा हो वहां पे तो भी मल्टी कलर का बनाया गया है। ये जो छोटे छोटे शीशे दिख रहे हैं, इसके नीचे जो ये आपको दरवाजा दिख रहा है, यही एक्चुअली झरोखा कहलाता था, जो बेसिकली मिनो विंडोज थी जो हवा के पर्पज से बनाई गई थी और रानियां पूरा शहर का नजारा एंजॉय कर पाए, इसीलिए हर जगह पे इस हवा महल में टोटल 953 छोटे छोटे झरोखे बनाए गए थे ताकि रानी हर तरफ से पूरे जयपुर शहर को एंजॉय कर पाए बिना बाहर जाए हुए। तो ये इसी पर्पज से बनाया गया था। आप देखते जाओ तो लाइन से आपको तीन तीन के पेयर में यहाँ पे बहुत सारे झरोखे मिलेंगे और बीच बीच में से बड़े बड़े भी बने हुए हैं ताकि अच्छे से व्यू को एक्सप्लोर किया जा सके। 18वीं शताब्दी में इस रास्ते से रानियां व्हीलचेयर पर बैठ के जाया करती थी, जिस व्हीलचेयर को दो दासियां आगे से पकड़ती थी, दो पीछे से, और रानी को बहुत ही सेफ्टी के साथ ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता था। ये रहा छोटा सा झरोखा, मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊं, जैसे ही आप इसको ऐसे खोलोगे तो व्यू कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको दो सेक्शन दिखाई पड़ेगा, इस तरफ पैसेज है और यहाँ पे इस तरफ पैसेज है। ये फिफ्थ फ्लोर की तरफ जाता है जो कि हम बाद में जाएंगे, जहाँ पे एक्चुअल में हवा मंदिर है, जो हवा महल के नाम से जाना जाता है वो इधर है, लेकिन फिलहाल हम चौथे फ्लोर पे हैं, वो इस तरफ है और इसका मेजेस्टिक वो देखिए कुछ ऐसा है। वाह दोस्तों देखिए, यहाँ भी तीन दिन के पेयर में खिड़कियाँ बनाई गई हैं, ये मिनी झरोखे हैं और उस साइड देखिए वहाँ रंग बिरंगा कांच भी मौजूद है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना लिया है लोगों ने, हालांकि रानियां इसका यूज करती थी शहर के बाहर का नजारा देखने के लिए इस तरीके से। अब हम विचित्र मंदिर में जाने वाले हैं, यहाँ का नजारा सेम टू सेम प्रताप मंदिर जैसा ही है, चाहे ये पिलर्स हो या ये रंग बिरंगे शीशे हो। यहाँ के झरोखे से अगर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया दिखाई पड़ेगा जिसमें लगा हुआ ये फाउंटेन शाम में चलता है और हवा महल के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। अब सोचो, इमेजिन करो कि इतनी छोटी खिड़की, देखिए टोटल सिर्फ इतनी बड़ी है, इतनी छोटी खिड़की बनवाई थी राजा ने कि ताकि उनकी रानियां अच्छे से इस महल के बाहर देख सके लेकिन कोई उनको ना देख सके। थर्ड फ्लोर से जब आप फोर्थ फ्लोर की तरफ चढ़ोगे तो आपको सकरी सीढ़ियां दिखाई पड़ेंगी, हालांकि मैं इन सीढ़ियों से पार कर जा रहा हूँ। और जब आप यहाँ पे आओगे तो अब हम एक्चुअली पहुंचे हैं फोर्थ फ्लोर पे, वो जो नीचे मैंने आपको दिखाया था वो थर्ड फ्लोर ही था और यहाँ पे ये फोर्थ फ्लोर से नजारा दिख रहा है बाहर का। और अभी हमें उस टॉप पे जाना है, वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोग अलाउड हैं, 10 से 12 लोग मैक्सिमम, तो वो हम थोड़ा सा वेट करके चलेंगे जब वो खाली हो जाएगा तब। फिलहाल आप यहाँ से मजेस्टिक व्यू एंजॉय करिए हवा महल से और वो सारी पहाड़ियाँ देखिए,
वो आपको दिख रहा होगा सामने नहरगढ़ का किला। इस रास्ते को दासियां यूज करती थी रानी की, और जैसे ही आप यहां से एंट्री करोगे आपको चौथे फ्लोर पे नजारा देखने को मिलेगा। ये पांचवा फ्लोर है जहाँ पे लिमिटेड सीट है कि 5-10 लोग ही जा सकते हैं। यहाँ चौथी मंजिल पे मौजूद है प्रकाश मंदिर जहाँ पे रानी अपने करवा चौथ का त्योहार मनाती थी। मैं आपको सबसे स्मॉल साइज का झरोखा दिखाता हूँ यहाँ पे, ये कितना छोटा सा है, आप इसकी साइज को इमेजिन करो, सिर्फ इतनी साइज है इसकी। और जैसे ही इसको खोलोगे, हालांकि ये लॉक है लेकिन कितना क्यूट लग रहा है ये आप समझो। और ये पैसेज ऐसा लग रहा है कि पुराने जमाने में रैंप वॉक कर रहा हूं मैं। और इस तरफ से यहाँ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे, थर्ड फ्लोर पे नीचे जाने के लिए या फिर फिफ्थ फ्लोर पे इस सकरे रास्ते से जाने के लिए। आइए हम चलते हैं ऊपर। सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते चले जाओगे तो यहाँ पे हवा का लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा और बहुत ही ठंडी हवाएं आपको लगेंगी। और यहीं से आपको वो चीज देखने को मिलेगी जहाँ पे मूवी में सीन दिखाते हैं कि पूरा हवा महल दिखाई पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने आपको टैटू कैफे दिख रहा होगा जहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी शूटिंग हुई है। वो जो पॉइंट है रूफटॉप व्यू विंड व्यू कैफे, जहाँ पे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज बैठ के काफी पीते हैं, और ये पीछे पूरा हवा महल आता है। तो वो कैफे एक्चुअली में वही है जहाँ लिखा था टैटू कैफे, तो आप भी जाके वहाँ पे करके अपना फोटो शूट करा सकते हो। इस टाइम भी चल रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ आपको क्या वो टैटू कैफे दिख रहा है सामने। तो बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज वहां पे शूट हुई हैं। और ये है यहाँ हवा महल से चौथे फ्लोर से पूरी सिटी का नजारा, तो रानियों के लिए कितना अच्छा इंतजाम किया। ये फोर्थ फ्लोर से नजारा है थर्ड फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, और वो उधर फर्स्ट फ्लोर का। अब हमें चलना है हवा महल की छत पर जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर हवा का फ्लो बहुत ही तेज रहता है और ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, इसीलिए इस हवा मंदिर के नाम पे ही इस पांच मंजिला इमारत का नाम हवा महल रख दिया गया है। यहाँ पर जाने वाली सीढ़ियाँ बहुत नैरो हैं और इसीलिए यहाँ पर एक टाइम पे 10 से 12 लोग ही अलाउड होते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे फॉर श्योर, बट उससे पहले आप इस टॉप साइड से जयपुर शहर का नजारा देखो। दोस्तों इस फ्लोर पे जब आप पहुंचोगे सबसे टॉप पे, तो आपको यहाँ से पूरे जयपुर का नजारा दिखाई पड़ेगा, पूरी पिंक सिटी का। आपको यहाँ से जंतर मंतर, सिटी पैलेस, नहरगढ़ फोर्ट, एक एक चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ही बारीकी से। तो यहाँ आके एक साथ इस मजेस्टिक चीजों को देखना नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। चलिए चलते हैं उस जगह पे जो एक्चुअल में हवा मंदिर है, यानी हवा महल का पोर्शन है। ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। दोस्तों फाइनली अब हम चलने वाले हैं सबसे ऊपर हवा मंदिर जहाँ पे है। और एक बात और आपको बताऊं, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा का लेवल बढ़ता ही चला जाता है। हालांकि ये रास्ता ध्यान दो तो बहुत ही सकरा है, हमें बहुत ही सावधानी से पार करना है, तो मैं आपको बैक कैमरे से करके दिखाता हूँ। हवा मंदिर जाने के लिए पांचवें फ्लोर पे पहुंचने के लिए हमें इन सकरी लकड़ियों से होकर के ऊपर जाना है। और दोस्तों यहाँ पे इस टाइम धूप है क्योंकि आज बहुत ही तेज धूप है हर तरफ, लेकिन यहाँ बताऊँ हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही है। ये देखो कितने छोटे झरोके बनाए गए थे यहाँ पे, और यहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता था। जब आप इस फ्लोर पे पहुंचोगे तो इतनी धूप में भी आपको ठंडी का एहसास होगा क्योंकि इन झरोकों से हवा बहुत ही तेज आती है। पांचवें फ्लोर पे पहुंचने के बाद यहाँ पे धूप इस टाइम बहुत ज्यादा है क्योंकि हम दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हवा चल रही है अच्छी खासी। हवा महल इसीलिए इसका नाम दिया गया था। ये हवा मंदिर वाला सेक्शन है, यहाँ पे लिमिटेड एंट्री है। इस टाइम देख सकते हो सिर्फ मैं हूँ, एक दो लोग और हैं। तो यहाँ पे जब भी आप आओ तो रास्ता बहुत ही पतला है, ध्यान रखना है क्योंकि एंट्री भी यहाँ लिमिटेड है। और यहाँ पे सबसे खास बात है कि सबसे ऊंचाई पर यही पोर्शन है, पांचवा खंड है, तो यहाँ से पूरे जयपुर का आपको नजारा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लोर किया जयपुर का हवा महल, आइए आपको यहाँ से दिखाता हूँ जो झरोखे छोटे छोटे बने हुए हैं। देखिए कितने छोटे झरोके यहाँ पे बनाए गए थे, ऐसे ऐसे 953 झरोके थे जहाँ से रानियाँ पूरे शहर का व्यू एंजॉय करती थी। और अभी भी इतना डेवलपमेंट हो चुका है फिर भी दूर तक बहुत ही दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने हवा महल को अंदर से देख लिया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर ऐसे जुड़े रहिए नए व्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।